चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है आपका पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है ईवेपोरेटर। नाम अभी तक हम जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं था जिसके अंदर ईवेपोरेटर का नाम ना लिया हुआ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ईवेपोरेटर भी एक रेफ्रिजरेशन प्रणाली का बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी पार्ट है। नेसेसरी पार्ट वही होते हैं जिसके बिना वो प्रणाली संभव नहीं है। तो ईवेपोरेटर के बिना एक रेफ्रिजरेशन प्रणाली जो है आपकी, वो संभव नहीं होती है बच्चों। तो ईवेपोरेटर करता क्या है, रेफ्रिजरेशन प्रणाली में प्रयुक्त वह युक्ति जो रेफ्रिजरेटेड द्रव को वाष्प के अंदर परिवर्तित कर देती है, और इस द्रव से वाष्प के अंदर जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए जो ऊष्मा चाहिए वो ऊष्मा सराउंडिंग से लेती है। ठीक है, वही जो सिस्टम और सराउंडिंग, अपना यहाँ पे सिस्टम क्या है आपकी, पूरी रेफ्रिजरेंट प्रणाली क्या चल रही है, सिस्टम चल रही है। तो ये सराउंडिंग से क्या ले लेती है, ऊष्मा को ले लेती है। और सराउंडिंग कौन सी, ईवेपोरेटर लगा हुआ कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर कैबिनेट के अंदर लगा हुआ होता है, जहाँ पे फ्रीजर वगैरह लगा हुआ है वहाँ पर लगा हुआ है ऊपर की तरफ ईवेपोरेटर। तो वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली वहाँ से सारी की सारी एयर को ले लेगा, और उसकी ऊष्मा लेने की वजह से उस जगह पर ऊष्मा क्या हो जाती, रिक्त हो जाती। इसका मतलब जहाँ पर हीट नहीं है वहाँ पर क्या होगा, ठंडापन पैदा हो जाएगा। जैसे एक आपको पता हो, इस चीज़ को समझने के लिए, वैसे अभी तक समझ में आ गया होगा, समझने जैसा इसमें कुछ है नहीं, पर एक सवाल पूछा गया था एक मेधावी छात्र से, कुछ इस प्रकार का था कि अंधेरा क्या है, और दूसरा था कि कोल्ड स्टेट जो है वो क्या होती है। तो एक ही जवाब था कि अंधेरा क्या होता है, वही एब्सेंस ऑफ लाइट, जहाँ पर लाइट की एब्सेंस है, अनुपस्थित है लाइट, वो अंधेरी जगह है। ठीक है, डार्कनेस क्या है, डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, एंड कोल्ड क्या है, एब्सेंस ऑफ हीट, जहाँ पे हीट की क्या है भाई, एब्सेंस है। तो वही चीज़, और ये मेधावी छात्र कौन थे, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा से उनके टीचर ने ये सवाल पूछा था, तब उन्होंने यही कहा था, रूमर्स हो सकती है, हो सकता है, पर हाँ सुना है मोटिवेशनल स्पीच में काफ़ी बार, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को इस चीज़ के बारे में, हो सकता है अफवाह हो, झूठ हो, गलत हो, पर कॉन्सेप्ट अच्छा दे रहा है हमें, क्या मतलब झूठ हो या सच हो, कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए। तो वही चीज़ है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे कि रेफ्रिजरेंट प्रणाली में प्रयुक्त वह युक्ति जिसके द्वारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वाष्पीकरण करके कूलिंग उत्पन्न होती है, ईवेपोरेटर कहलाता है। तो वह युक्ति जिसके द्वारा तरल रेफ्रिजरेंट का तरल रेफ्रिजरेंट यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट का वेपराइजेशन करके कूलिंग उत्पन्न की जाती है, या कूलिंग इफेक्ट करके कूलिंग प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, ईवेपोरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ईवेपोरेटर कहलाता है। ठीक है, इसे कूलिंग कॉइल, फ्रीजर कॉइल, या फ्रीजिंग यूनिट, या यूनिट कूलर, अलग अलग नाम से भी जानते हैं अपन, क्या बोल सकते हो उसको, कूलिंग कॉइल भी बोल दो, ठीक है, फ्रीजिंग यूनिट भी बोल दीजिए, तो इस तरह के तीन चार नाम है इसके। ठीक है, फ्रीजिंग यूनिट है, यूनिट कूलर है, आदि नामों से भी जाना जाएगा। ठीक है, ईवेपोरेटर को रेफ्रिजरेंट प्रणाली में रिसीवर के बाद लगे एक्सपेंशन वॉल्व के पश्चात लगाया जाएगा। तो क्या है भाई, ये तो आप जानते ही है, पर ये जो है, ये क्वेश्चन है कि ईवेपोरेटर को कहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है भाई, रिसीवर के बाद एक एक्सपेंशन वॉल्व है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है आपका, ईवेपोरेटर। बच्चों अगर आप इसके बारे में और समझना चाहते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल गए, तो ईवेपोरेटर क्या काम कर रहा है, वैसे होगा नहीं, जितनी बार मैंने बता दिया है अब तो शायद ही कभी आप भूल पाओ जिंदगी में, चाहे 50 साल भी आपसे पूछ ले, 50 साल बाद भी पूछ लिया जाए ईवेपोरेटर का क्या काम है, तो भी आप बता दोगे ईवेपोरेटर का क्या काम होगा, पर फिर भी ईवेपोरेट नाम की जो टर्म है इसके ऊपर आप क्या करें, थोड़ा ध्यान दें। ईवेपोरेट का मतलब होता है वाष्पीकरण, तो सीधी सी बात है, ईवेपोरेटर क्या काम कर रहा है, वाष्पीकरण कर रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, क्या काम कर रहा है, वाष्पीकरण कर रहा है। ठीक है, और इसको लगाया कहाँ जा रहा है, रिसीवर के बाद एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सपेंशन वॉल्व के बाद ईवेपोरेटर, और ईवेपोरेटर के बाद लगाया जाता है एक्यूमुलेटर, और उसके बाद लगाया जाता है कंप्रेसर। ठीक है, और कंप्रेसर के बाद क्या लगाया जाएगा,
कंडेंसर, और ये फिर वापस कहाँ पे आ जाएगी, कंडेंसर से रिसीवर पे। तो इस तरह से ये पूरी फ्लो लाइन आपकी चल रही है। तो ये एक्यूमुलेटर क्या काम कर रहा है, ये एक्यूमुलेटर जो तरल, भैया वही बात है ना कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी पूरी तो होती नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो दुनिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जो भी यहाँ पे खाद्य पदार्थ रखे हुए थे आपके, ठीक है, इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट था उसने उनको, उनकी ऊष्मा को अवशोषित किया, अवशोषित कर लिया। तो मैं ये मान के चला कि 99% तक अवशोषित कर लिया, पर 1% अवशोषित नहीं कर पाया, यानी 1% रेफ्रिजरेंट अभी भी लिक्विड स्टेट के अंदर अवेलेबल है। जो लिक्विड स्टेट के अंदर अवेलेबल है वो कहाँ पे जाएगा, भाई पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट यहाँ से गुजर रहा है, तो एक्यूमुलेटर क्या काम करेगा, जो गैसियस है उसको कंप्रेसर पे भेज देगा, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेसर में नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा उसको कंप्रेसर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, यदि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर के अंदर भेज दिया जाएगा तो कंप्रेसर के अंदर बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, जंग लग सकता है, कटाव हो सकते हैं, इरोजन हो सकते हैं, करोजन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। दैट्स वाई इसको नहीं भेजा जाता, उसकी एफिशिएंसी पे, कंप्रेसर की एफिशिएंसी पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, एंड कंप्रेसर इज हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो दिल के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी। ये सब किडनी वगैरह, लीवर वगैरह आ रहे हैं जो आप आसानी से ट्रांसफॉर्म कर लोगे, बाईपास भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। कंप्रेसर तो ज़रूरी ज़रूरी है, बाईपास करवाने के लिए VARS में जाना पड़ेगा। VARS क्या, एक तरह से बाईपास सिस्टम है, वहाँ पे कंप्रेसर को बाईपास करके एक एब्जॉर्बर अलग से लगाया गया, ठीक है। तो इस तरह की बातें। तो एक्यूमुलेटर का ये काम है, क्या काम है एक्यूमुलेटर का, कि भाई तरल रेफ्रिजरेंट को वो हटा के रख देगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जब इवेपोरेटर का इवेपोरेटर का तापमान बहुत कम हो जाता है, जब इवेपोरेटर का तापमान बहुत कम हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसी कंडीशन में इवेपोरेटर के ऊपर बर्फ़ जम जाएगी, इवेपोरेटर के आसपास क्या हो जाएगी, बर्फ़ जम जाएगी बहुत सारी, और उस बर्फ़ को आपको पिघलाना पड़ेगा, और उस बर्फ़ पिघलाने की विधि को क्या कहा जाता है, बर्फ़ जमने की जो स्थिति उसको फ्रॉस्टिंग कहा जाएगा, बर्फ़ जमना पिघलाने की विधि डी फ्रॉस्टिंग, डी लगा दिया आगे मतलब बर्फ़ को पिघलाया जा रहा है, और ये वो बेसिक टर्म है जो हमारे घर के अंदर होती रहती है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेटर, वर्क किस तरह से करता है। दोस्तों वही बातें बार बार आ रही हैं इसके अंदर, और क्योंकि चैप्टर का हिस्सा है तो मुझे इन हिस्सों को डिक्टेट करना पड़ेगा जिनको मैं पहले चैप्टर के अंदर डिक्टेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इन्हीं चीज़ों पे मैं दोहराऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये मजबूरी भी है और आपका सिलेबस भी है, मैं आपके सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। वर्किंग ऑफ एन इवेपोरेटर, एक इवेपोरेटर की कार्यविधि। तो सबसे पहले आप पूरे रेफ्रिजरेशन प्रणाली का एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। कैसे बनाओगे, यहां पे लगा हुआ होगा एक कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद एक सक्शन लाइन भी होगी और एक डिस्चार्ज लाइन भी होगी, दोनों तरह की लाइन होगी। सक्शन लाइन जो आ रही है कंप्रेसर पे कहां से आ रही है, यह है आपका कंप्रेसर, ठीक है, और ये है आपकी सक्शन लाइन और ये है आपकी डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन जा रही है कहाँ पे, आपका लगा हुआ है छोटी आंत बड़ी आंत, कंडेंसर, क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, एक और बना दीजिए इस प्रकार का, ठीक है। कंडेंसर तक कौन सी लाइन जा रही है, डिस्चार्ज लाइन, ये याद रखने आपको, प्रक्रम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर में पहुंच गई, उसके बाद क्या हो रहा है, ये जाएगा कहाँ पे, रिसीवर के बाद। तो कंडेंसर से जो निकलने वाली लाइन है उसको कहा जाता है लिक्विड लाइन, क्या कहा जाता है उसको, लिक्विड लाइन कहा जाता है। तो लिखा दीजिएगा यहाँ पे लिक्विड लाइन, ये लिक्विड लाइन कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है आपके रिसीवर के पास, रिसीवर या लिक्विड रिसीवर जिसको कहा जा रहा है, ठीक है। अब इस रिसीवर के अंदर आपने एक और चीज़ लगा रखी थी, जो वॉल्व वगैरह ऐसी कुछ चीज़ थी वो और लगा रखी थी, ठीक है। तो अब इस रिसीवर से एक और नीचे लाइन जा रही है, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है, एक्सपेंशन वॉल्व के थ्रू, ये क्या है आपका, एक्सपेंशन वॉल्व, और एक्सपेंशन वॉल्व कहाँ पे जाएगा, इवेपोरेटर के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, इवेपोरेटर। देखो इवेपोरेटर कैसा है, मैं बोलता था ना इवेपोरेटर इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, आप पढ़ोगे फिन टाइप इवेपोरेटर भी पढ़ोगे,
फिनटाइप ही बना रहा, ऐसे फिनटाइप मत बनाओ चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो इवेपोरेटर से जो लाइन गुजर रही है, यहाँ पे लगा हुआ होगा एक आपका इस तरीके का गोल गोल डिवाइस, जिसको क्या कहा जा रहा है, एक्यूमुलेटर कहा जा रहा है, एक्यूमुलेटर, ठीक है। और ये अब आ रही है इस लाइन के थ्रू, ये लाइन है आपकी सक्शन लाइन, वापस कहाँ पे आ गया, कंप्रेसर। तो इस तरह से आपका पूरा इवेपोरेटर का क्या बन गया, एक पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया, इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो अब विधि देखो क्या है कि रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कूलिंग जो मेन इफेक्ट, जो डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है, वो आपको किसके द्वारा मिल रहा है, वो आपको इवेपोरेटर के द्वारा ही मिल रहा है। इसलिए जब भी मैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालता था, सीओपी निकाला करता, तो मैं क्या करता था, मैं H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस H1, ये क्या करता था। और H क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी, एंट्रोपी नहीं, एंथैल्पी, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स से बिल्कुल पढ़ लीजिए, बता रखी है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मैंने, जो पढ़ा रखे सिस्टम सराउंडिंग वाले बच्चे जो हैं जाके पढ़े एंथैल्पी क्या चीज़ है। तो इस तरह से मैं इवेपोरेटर की सीओपी क्या निकाला, इसकी रेफ्रिजरेशन की क्या निकालता था, सीओपी। और एक डायग्राम भी बना करता था, आपको ध्यान हो टीएस डायग्राम जो मैंने बनाया था, इस प्रकार का टीएस डायग्राम बना करता था, ठीक है। और टीएस डायग्राम में क्या होता था भैया, ये जा रहा है आपका कंप्रेशर वर्क 1 से 2, फिर 2 से 3 क्या है आपका कंडेंसर होता था, एक्सपेंशन वॉल्व इस तरह से थ्रोटलिंग को दर्शाया जाता था, और ये 4 से 1 क्या होता था आपका इवेपोरेटर। इवेपोरेटर कैसा, कांस्टेंट प्रेशर, और जो कंडेंसेशन हो रहा है ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे होता था, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखना, ठीक है। तो दोनों क्या है आपके, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, पूरा कांस्टेंट पे हो रहा है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम क्या निकालते थे, उसकी सीओपी निकालते। तो ये इवेपोरेटर का ये है आपका डिजायर्ड इफेक्ट। अच्छा, ये जो मैं ये बनाता हूँ ये क्या चीज़ है, ये वहाँ पर यूज़ होगी जहाँ पे फेज जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको एयर के रिगार्डिंग लगाने लग गया तो मैं इसको नहीं हटाऊँ, नहीं बनाऊँगा, बता रखी चीज़ है। तो सीओपी इस प्रकार से हो रही है, ठीक है। तो अपन बना देते ना टीएस डायग्राम, और पीवी कर्व भी इसका बनता है, एंथैल्पी कर्व भी बनता है, तो अलग अलग होते हैं आपके, है नहीं, वरना अभी तक मैं आपको बता चुका होता, ठीक है। तो हाँ, मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, इवेपोरेटर की वर्किंग की मैं बात आप लोगों से कर रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि गर्म स्थान तथा उनके अवयवों को सोख करो, सॉरी अन्य अवयवों से ये ऊष्मा को सोख कर क्या करता था, वाष्पित हो जाता था, ठीक है। और जिसके फलस्वरूप उस स्थान तथा अवयवों में ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो ऊष्मा की मात्रा कम होना ही क्या है, कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है। जब कंडेंसर में उपस्थित तरल रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वॉल्व से होकर कहाँ पहुँच रहा है, इवेपोरेटर के अंदर पहुँच रहा है, तो वो अपने आसपास की स्थिति को ऊष्मा को सोख कर रेफ्रिजरेंट को प्रदान कर देगा। और ऐसा ऊष्मा को सोख क्या रहा है, उसके अंदर कुछ लगा हुआ है क्या, ऐसा कुछ एक एब्जॉर्बर लगा रखा होगा मैंने रेफ्रिजरेंट के अंदर या इवेपोरेटर के अंदर, जो ऊष्मा को सोखने का काम कर रहा है, यही हुआ होगा, ऐसा नहीं है भाई वो ये टेम्परेचर वाली बात है और कुछ नहीं। एक का तापमान बहुत कम है, तापमान बहुत कम है और बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक इवेपोरेटर क्या करता रहा काम। अब इवेपोरेटर अगर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि वाष्पित ही हो चुका है, वेपराइज हो चुका है, तो आगे बढ़ जाएगा। जब तक इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, सॉरी इवेपोरेटर वाष्पित नहीं हो रहा है, सॉरी रेफ्रिजरेंट जो इवेपोरेटर के अंदर प्रेजेंट है वो जब तक वाष्पित नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और जैसे ही वो इवेपोरेटर क्या जैसे ही क्या होगा, जैसे ही वो वाष्पित हो जाएगा आगे कंप्रेसर की तरफ चला जाएगा, बीच में लगा होगा एक्यूमुलेटर, ठीक है। चलिए, तो ऊष्मा किसी स्थान का ठंडा होना मतलब ऊष्मा को अब्जॉर्ब कर लेना, हीट को क्या कर लेना, अब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो चलिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, एक इवेपोरेटर या एक पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, और उसके अंदर ये आ रहा है आपका इवेपोरेटर। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इवेपोरेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ इवेपोरेटर पढ़ते हैं। तो वो ये, इसको भी अलग अलग तरीके से आपने क्या कर रखा है, हम लोगों ने
क्लासिफाई कर रखा है, और कन्वेक्शन तो यहां पर भी हो रहा है, चाहे इवेपोरेटर हो या कंडेंसर हो, दोनों बिना कन्वेक्शन के नहीं हो सकता। अगर अब सवाल आ जाता है कि इवेपोरेटर नामक जो रेफ्रिजरेशन युक्ति है इसके अंदर किस विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो वही कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है, चाहे वो फोर्स्ड कर रहे हो चाहे वो फ्री कन्वेक्शन कर रहे हो। बेसिकली कन्वेक्शन क्या, जब कंडक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं तब तो आपने फिन्स लगा दिए ताकि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। तो कन्वेक्शन बेसिकली एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क करता हूँ या वर्किंग प्रोसेस करता हूँ तो दो तरीके से मेरे जो है वो डिफाइन होते हैं। एक होता है आपका फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर और दूसरा आएगा ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर। दोनों के अंदर ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। चलिए पहले क्लासिफिकेशन पूरा लिख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्किंग तो आपको अभी तक रट गई होगी जो जो मैंने बताई है। तो क्लासिफिकेशन मैंने इसको किया पांच प्रकार से, वर्किंग के आधार पर, जो कार्यविधि के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे यानी संरचना के आधार पर, हीट ट्रांसफर का जो माध्यम है मीडियम उसके आधार पर। तो पहले ये तीन लिखते हैं, उसके बाद बाकी दो को लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो दो कौन कौन से, प्रचालन स्थिति और स्पेशल टाइप, जो कि एक कॉमन है, ठीक है, जो हर किसी के अंदर आते ही हैं। जैसे स्पेशल टाइप कंप्रेशर में हमने कौन से पढ़े थे, बैफल प्लेट और एक और थी अपनी स्वेवल प्लेट जो थी, ये दो दो तरह के हमने कंप्रेसर पढ़े थे, तो वही चीज़ है। तो यहाँ लिखो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, वर्किंग के बेसिस पे दो हैं, ठीक है, कौन सा है, फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर और दूसरा है आपका ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर। सबसे पहले इन दोनों, ये दोनों पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब जो सेकंड आता है वो है आपका कंस्ट्रक्शन के आधार पे। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे बेयर प्लेट है, सॉरी बेयर ट्यूब है, प्लेट है और फिन कॉइल इवेपोरेटर है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेयर ट्यूब, प्लेट, इवेपोरेटर और लास्ट कौन सा है, वही फिंड टाइप, FINNED, फिंड टाइप, यानी यहाँ पे क्या लगी हुई है, फिन। फिर जो तीसरा क्लासिफिकेशन आ रहा है वो किसके बारे में है, वो है ऊष्मा स्थानांतरण के माध्यम के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तो ये दो प्रकार के हैं, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। कौन कौन से हैं, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन, मतलब हिंदी में भी लिख लीजिए सारा, क्रियाविधि के अकॉर्डिंग फ्लडेड टाइप और ड्राई एक्सपेंशन, ठीक है। संरचना के आधार पर बेयर ट्यूब, प्लेट इवेपोरेटर और फिंड टाइप, फिन टाइप ही लिखा जाएगा। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि हीट ट्रांसफर के या ऊष्मा स्थानांतरण के माध्यम पे, तो प्राकृतिक कन्वेक्शन या फोर्स कन्वेक्शन। अब जो बाकी आते हैं दो आपके प्रचालन विधि पे, ठीक है, तो ऑपरेशन पे एक तरह से बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस, जैसे हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेटर के अंदर कि कुछ इवेपोरेटर ऐसे आते हैं जो सेल्फ डिफ्रॉस्टिंग के साथ आते हैं, ठीक है, जो रेफ्रिजरेशन थे आपके रेफ्रिजरेटर आ रहे थे ना सेल्फ डिफ्रॉस्टिंग, तो बेसिकली क्या हो रहा था, इवेपोरेटर ही आ रहा था। तो डिफ्रॉस्टिंग के लिए क्या कोई हीटर यूज़ किया जा रहा है या नहीं, डिफ्रॉस्टिंग का भी एक अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है, डिफ्रॉस्टिंग किस क्रियाविधि के द्वारा पूरी करवाई जा रही है। यदि आपका ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर क्या लगा हुआ होगा, एक पुश बटन लगा हुआ था रेड कलर का, वो एक्चुअली क्या था, वो पूरा का पूरा जो एक बॉक्स लगा हुआ था, वो जो डिफ्रॉस्टर जिसको कहा जा रहा था, वो एक हीटर था, ठीक है। तो वो क्या काम कर रहा है, अब पूरा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, कंप्रेसर है, इवेपोरेटर, उनको कट कर दिया गया है और अंदर ऊष्मा जनरेट की जा रही है, हीट को जनरेट किया जा रहा है, और हीट के जनरेशन की वजह से जितना भी आपकी बर्फ़ थी
जितने भी अंदर फ्रॉस्टिंग हो रखी थी वो सारी क्या हो जाती है, पिघल जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग, तो यहाँ पर आ रहा है फ्रॉस्टिंग टाइप, डीफ्रॉस्टिंग टाइप और नॉन फ्रॉस्टिंग टाइप, तीन प्रकार के आ रहे हैं। तो पहला लिखो फ्रॉस्टिंग टाइप इवेपरेटर, दूसरा आ रहा है डीफ्रॉस्टिंग टाइप इवेपरेटर, और तीसरा आ रहा है नॉन फ्रॉस्टिंग टाइप इवेपरेटर, और लास्ट में आ रहे हैं आपके स्पेशल टाइप इवेपरेटर जिसमें टैंक टाइप, बेंड लोड टाइप और शेल एंड कॉइल टाइप इवेपरेटर है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा ये तो लिख लीजिए, स्पेशल टाइप में क्या क्या थे, स्पेशल टाइप, स्पेशल में बेंड लोड टाइप, और तीसरा कौन सा था, थर्ड था आपका शेल एंड कॉइल टाइप, जैसा आपका कंडेंसर के अंदर था ना शेल एंड कॉइल टाइप। आप देखना बेसिक प्रिंसिपल दोनों के अंदर एकदम सेम ही रहेगा। कंडेंसर के अंदर आप क्या कर रहे थे, ऊष्मा को मुक्त करवा रहे थे, और यहाँ पर बस इतना सा फर्क हो जाएगा ऊष्मा को ग्रैंड करना, ठीक है। इसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग मेथड कौन सा था, फ्लडेड ट्यूब, फ्लडेड ट्यूब टाइप इवेपरेटर। तो लिखें टाइप इवेपरेटर। इस फ्लडेड ट्यूब टाइप इवेपरेटर के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, एक फ्लोट वॉल्व लगा हुआ होगा और एक फ्लोट कंट्रोलर लगा हुआ होगा। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं, बिल्कुल उसकी भी क्रियाविधि मैं आपको बताता हूँ। पहले जरा इसका, इसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। भाई इस प्रकार का जो इवेपरेटर होता है, इसके जितनी भी कॉइल है उन सभी कॉइल के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या रहेगा, फ्लो रहेगा। फ्लडेड है मतलब कि फ्लो है, पूरा भरा हुआ है पूरा, कहा जाता है ना फ्लडेड का। फ्लड का मतलब क्या है कि भाई कोई भी कॉइल है आपकी या पूरा जो इवेपरेटर सिस्टम है वो पूरा हमेशा कंटिन्यूस भरा हुआ है, कभी भी इवेपरेटर सिस्टम के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट की कमी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार के इवेपरेटर में सभी कॉइल में तरल रेफ्रिजरेंट भरा होता है और इवेपरेटर के साथ एक फ्लोट चैम्बर बना हुआ होगा, ठीक है। और इस फ्लोट चैम्बर के अंदर क्या है, फ्लोट चैम्बर इज जस्ट लाइक ए सर्ज टैंक। जैसे हमने सर्ज टैंक पढ़ा था, सर्ज टाइप लिक्विड रिसीवर के अंदर पढ़ा था, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हाइड्रोलिक्स के अंदर हमने सर्ज टैंक पढ़ रखा है। सर्ज टैंक क्या, एक आर्टिफिशियल रिजर्वर है किसका, पानी का, वाटर का। तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल रिजर्वर आपने, अच्छा यहाँ पे सारा आर्टिफिशियल ही होगा, नेचुरल नहीं है कुछ भी, परंतु फिर भी पूरी प्रोसेस से हटके, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है बिना इस सर्ज टैंक के या बिना इस फ्लोट चैम्बर के भी इवेपरेटर आपका वर्क कर सकता है, ठीक है। ये आपने एक एक्सटर्नल डिवाइस लगा रखा है, आपने एक कह सकते हैं कि स्टीम वैल्यू ऐड करी है, या फिर एक अलग प्रोसेस के लिए वर्किंग मेथड जो आपका और सुचारू हो जाए इसके लिए यहाँ पर यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, एक फ्लोट चैम्बर होगा इस प्रकार का। इस फ्लोट चैम्बर के अंदर हमेशा लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरा हुआ रहेगा, कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि इसके अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट खाली हो जाए। यदि खाली होने वाला होगा तो यहाँ पर एक क्या लगा रखा है आपने, फ्लोट वॉल्व लगा रखा है। फ्लोट वॉल्व कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो डिजर्ट कूलर आया करते हैं, डिजर्ट कूलर भी हम पढ़ेंगे आरएसी के अंदर, डिजर्ट कूलर के अंदर जो थोड़े एडवांस टेक्निक में निकालते हैं वो एक इंडिकेटर लगाते हैं, लेवल इंडिकेटर। लेवल इंडिकेटर में वो कोई ज़्यादा बड़ी मैकेनिज्म नहीं लगाते, वो दो लीवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक लीवर इस तरह से जो आगे एक निडिल लगी हुई है उस निडिल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और बीच में एक लिंकेज लगा के दूसरे लीवर को एक बॉल के साथ, बॉल कैसी होगी, सॉलिड नहीं रखी जाएगी, होलो रखी जाएगी, खोखली रखी जाएगी। क्यों, सॉलिड का वेट ज़्यादा होता है, वो पानी के अंदर फ्लोट ढंग से नहीं कर पाती है, वो क्या हो जाती है, अंदर डूब जाती है। तो इसको कैसे रखेगा, पहली बात तो लाइट वेट होगी और दूसरी होलो बॉल होगी, ठीक है। तो होलो बॉल को क्या करा जाता है, वाटर कूलर के अंदर या सॉरी डिजर्ट कूलर के अंदर लगा दिया जाता है। जैसे जैसे आप पानी बढ़ते जाते हैं, ये जो बॉल है इसका काम है ये हमेशा पानी के ऊपर क्या करती रहे, फ्लोट करती रहे, कभी भी उसके अंदर जो है सबमर्ज ना हो जाए। यदि सबमर्ज हो जाएगी तो लेवल आपका क्या हो जाएगा, नहीं बताएगा। तो अब क्या होता है भाई, जैसे जैसे ये जो ट्यूब थी
ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, पानी आप जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ से ये लीवर जो है ऊपर की तरफ जाता जाएगा। जब ये लीवर ऊपर की तरफ आ जाएगा तो भाई मैंने बताया बीच में एक लिंकेज लगा हुआ है, तो ये जो निडल है ये निडल इस तरह आ जाएगी। इस तरफ लिखा हुआ होता है क्या फुल, और इस तरफ लिखा हुआ होता है एम्प्टी। और अगर ये बॉल का मोशन नीचे की तरफ होगा, मतलब वाटर लेवल यदि कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये निडल लिंकेज के साथ मूव करेगी, इधर आएगी एम्प्टी पे आ जाएगी। तो इस तरह से एम्प्टी और फुल जो बताया जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, फ्लोट लेवल इंडिकेटर ही बोला जाता है उसको। तो वही फ्लोट लेवल इंडिकेटर मैंने यहाँ पर लगा रखा है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इस फ्लोट लेवल इंडिकेटर को देखने के लिए मैं वहाँ पर नहीं बैठा हुआ कि अब रेफ्रिजरेंट कम हो गया, जग से लाके रेफ्रिजरेंट मैंने डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि यहाँ पर एक वॉल्व भी लगा हुआ होगा, और उस वॉल्व को कहा जाएगा फ्लोट वॉल्व। जैसे ही ये जो आपका फ्लोट लेवल इंडिकेटर जो है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम होगी, तो ये कुछ इस प्रकार के लिंकेज से यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है, उस इस प्रकार के लिंकेज से अटैच होगा, और यहाँ पे जो एक वॉल्व लगा हुआ होगा। जैसे ही आपकी ये मात्रा कम हुई, मात्रा कम होती है ये वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन होने से और मात्रा के अंदर रेफ्रिजरेंट जो है अंदर आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे लिख सकते हो ये जो चीज़ है, ये है आपका रिसीवर से जो आपको रेफ्रिजरेंट प्राप्त हो रहा है वो पहले कहाँ पे जा रहा है, एक्सपेंशन वॉल्व के बाद। अच्छा, एक और, यहाँ पे जितना रेफ्रिजरेंट है लिक्विड रेफ्रिजरेंट सारा लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि इस डिवाइस को एक्सपेंशन वॉल्व के बाद लगाया जा रहा है, और एक्सपेंशन वॉल्व क्या कर रहा है, जो प्रेशर बढ़ा दिया था आपने उस प्रेशर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और कंडेंसर के बाद तो लगाया जा रहा है, क्योंकि कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वॉल्व आ रहा है, ठीक है। और ये रिसीवर की तरह ही, एक तरह से आपको रिसीवर की तरह दिखेगा, परंतु रिसीवर से जितना भी आ रहा है वो सारा कहाँ पे आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और ऊपर एक सक्शन लाइन होगी और बैफल प्लेट्स लगी हुई होंगी। क्या लगी होंगी, बैफल प्लेट यहां पर लगी हुई होंगी, और फ्लोट नियंत्रक लगा हुआ, तो लिख दीजिए बैफल प्लेट्स। यहां पे क्या लगी हुई है, बैफल प्लेट्स, और इसको बोल दीजिए फ्लोट कंट्रोलर। और फ्लोट कंट्रोलर के दो हिस्से हैं, जिसके अंदर क्या है, एक आ रहा है आपका फ्लोट कंट्रोलिंग फ्लोट लेवल इंडिकेटर, और एक आ रहा है फ्लोट कंट्रोलिंग वॉल्व। तो चाहो तो इसको भी आगे बता दीजिए, फ्लोट कंट्रोलिंग वॉल्व, और दूसरा है फ्लोट लेवल इंडिकेटर, ठीक है, ये दो चीज हो रही है। अब आगे जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ होता है आपके इवेपोरेटर से। किससे जुड़ा हुआ होगा, इवेपोरेटर से जुड़ा हुआ है नीचे से। और इवेपोरेटर कैसा होगा, कॉइल टाइप होगा। कॉइल का मतलब क्या होता है, बता चुका, ट्यूब को आप क्या कर लोगे, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसको दो तीन राउंड मारोगे, इस तरह से कॉइल बना दोगे। ये डिफरेंसेस तो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब देखिए ये आता है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। मैंने क्या काम किया, इस इवेपोरेटर वाली ट्यूब को इस फ्लोट चैम्बर से निकाला, और वापस इसी, मतलब इसका इनलेट भी मैं फ्लोट चैम्बर में दे रहा हूँ, और आउटलेट जो है वो भी मैं फ्लोट चैम्बर में दे रहा हूँ। ये सक्शन लाइन और बैफल प्लेट्स का मतलब पता पड़ा, कुछ समझ में आई चीज़ें, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए भाई, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो था नीचे से क्या जा रहा है, इवेपोरेटर के अंदर फ्लो हो रहा है कंटिन्यू। और इवेपोरेटर कहाँ पे लगा हुआ है, आपके इसमें कैबिनेट है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर लगा हुआ है। तो सारी ऊष्मा को ग्रहण करता रहा, और ऊपर आते आते वाष्प के अंदर परिवर्तित हो चुका है, यानी गैसियस फेज में आ चुका है। बिकॉज ऑफ गैसियस फेज में आ चुका है, और आप जानते हैं गैस जो है वो क्या होती है, लिक्विड से हल्की होती है, तो गैस कहाँ पे फ्लो करेंगी, ऊपर की तरफ फ्लो करेंगी। और यदि लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पर कोई अवेलेबल रह गया है, क्योंकि जब मैंने एक्यूमुलेटर का कॉन्सेप्ट बताया तो एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि सर एक्यूमुलेटर के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आप स्टोर कर रहे हो उसका बकायदा यूज कहाँ पे किया जा रहा है, उसको वापस लिक्विड रेफ्रिजरेटर के अंदर, सॉरी लिक्विड रिसीवर के अंदर भेजा जा रहा है, या फिर वापस उसको कंप्रेसर के अंदर तो भेज नहीं सकते क्योंकि लिक्विड है, तो क्या करा, तो लिक्विड जो होगा वो भारी होने के कारण क्या होगा, नीचे गिर जाएगा आपके फ्लोट चैम्बर पे, और जो वाष्प रेफ्रिजरेंट है वो ऊपर उड़ने लग गया। और यहाँ पर क्या लगा रखी है, बैफल प्लेट। बैफल प्लेट किसके लिए लगा रखा है, भाई फिर भी एक चांसेस ऐसे हैं कि मान लिया जाए कि आपकी जो वेपर रेफ्रिजरेंट था, गैसियस फेस के अंदर जो रेफ्रिजरेंट था, उसके अंदर एक ऐसा रेफ्रिजरेंट भी अवेलेबल है जो जस्ट अपने वेपराइज टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया। अब वो फ्लो करता करता हो सकता है अपनी ऊष्मा का त्याग कर दे, और ऊष्मा
का त्याग करने के बाद वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। यदि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया और फिर कंप्रेसर के अंदर चला गया तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसके अंदर इरोजन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, और भी बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो सारी हो सकती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लगाई गई क्या, बैफल प्लेट। तो ये बैफल प्लेट से वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट टकराएगा, यदि उसको वहीं पर संघनित होना है वापस से, सॉरी वो वेपर रेफ्रिजरेंट टकराएगा उसे वापस से संघनित होके तुरंत लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर कन्वर्ट होना, तो यहीं पर बन जाएगा और इन बैफल प्लेट पे ऊपर रेफ्रिजरेंट की बूंदें आ जाती हैं, ठीक है, और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो वापस कहाँ पे, नीचे फ्लोट चैम्बर के अंदर गिर जाएगा, ठीक है, और बाकी जो वाष्प की बूंदें बड़ी, जो वाष्प था, वाष्प हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।